कि जनता ने पूरा प्यार बरसाया आम आदमी पार्टी के लिए और इस बदलाव यात्रा के लिए, स्पेशली हरियाणा बदलाव चाहता है और इस बार हरियाणा में बदलाव होता रहेगा। करोदा से बहुत उम्मीदें हैं। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, हरियाणा में 2024 में सरकार भी बनेगी और 90 की 90 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा मतों से अगर कोई विधानसभा जीतेगी तो वो हल्का बरोदा हो। आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव, मैं हूँ आपके साथ अरुण दून, इस वक्त हम बरोदा हल्के मौजूद है जहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद सुशील गुप्ता के नेतृत्व में बदलाव यात्रा बरोदा हल्के पहुंची है और हमारे साथ बातचीत के लिए संदीप मलिक मौजूद है जो, और उनके साथ उनकी जो धर्मपत्नी है मोना शिवाजवा भी मौजूद है। तो संदीप भाई, बरोदा हल्के में बदलाव यात्रा पहुंची है, किस प्रकार की आप लोगों ने तैयारी कर की? नमस्कार हरियाणा उत्सव के सभी दर्शकों को। देखिए हरियाणा में बदलाव यात्रा चल रही है और आज उसी कड़ी को जोड़ते हुए यात्रा हल्का बरोदा के गांव बरोदा पहुंच रही है और आप जोश देख सकते हो युवाओं में, बड़े बुजुर्गों में। आज हल्का बरोदा दिखा देगा कि वो आम आदमी पार्टी को कितना चाहता है। तो बरोदा हल्के में बदलाव यात्रा पहुंची है, बरोदा हल्के से आप किस प्रकार की आगे उम्मीद लेके चल रहे हैं? देखिए हमें हल्का बरोदा से बहुत उम्मीदें हैं। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, हरियाणा में 2024 में सरकार भी बनेगी और 90 की 90 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा मतों से अगर कोई विधानसभा जीतेगी तो वो हल्का बरोदा हो। तो जो आम आदमी पार्टी है, क्या उम्मीद 2024 को लेकर चल रही है? देखिए आम आदमी पार्टी आम जनता के लिए काम करती है। 56 साल हो गए बीजेपी और कांग्रेस को, जो काम इनसे 56 साल में नहीं हुए वो आम आदमी पार्टी ने मात्र 10 साल में दिल्ली में सबको दिखाया है करके। तो अगर हरियाणा के लोग एक मौका आम आदमी पार्टी को देते हैं तो जिन चीजों का वो 56 साल से इंतजार कर रहे थे वो आने वाले 5 साल में, मात्र 5 साल में आपको कहूंगा, 5 साल में वो सारे काम करके दिखाएंगे। एक मौका हरियाणा के लाल को, केजरीवाल को, तो बरोदा के साथ साथ हरियाणा की जनता को आपको इतनी ज्यादा उम्मीद क्यों है कि वो केजरीवाल को मौका देगी? देखिए हमारी इस यात्रा का नाम भी है हरियाणा के लाल को एक मौका केजरीवाल को। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली और पंजाब हमारे सटे हुए राज्य है, दिल्ली और पंजाब के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के कामों पे भरोसा किया, हरियाणा के तो वो खुद बैठे हैं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि हरियाणा के लोग अरविंद केजरीवाल जी को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे, वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार मानते हैं। हरियाणा बदलाव चाहता है और इस बार हरियाणा में बदलाव होता रहेगा। तो हरियाणा में कौन सी विशेष बातें जो आम आदमी करना चाहती है? हमारा मेन है शिक्षा और स्वास्थ्य में काम करना चाहते हैं। हम हरियाणा वासियों को 24 घंटे बिजली और पानी उपलब्ध करवाना चाहते हैं, ये हमारी मुख्य है। दिल्ली की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई है आम आदमी पार्टी सरकार बनाने में, तो हरियाणा में महिलाओं की से किस प्रकार की उम्मीद आम आदमी पार्टी? जी महिलाएं हमारे खुद का तो बिल्कुल महिला पूरी की पूरी तादाद में हमारे साथ है, कदम से कदम मिलाकर आदमी और महिला दोनों साथ चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी को लाने में दोनों की अहम भूमिका।